रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच भारत अपने छात्रों को यूक्रेन से निकालने में सफल रहा। यूक्रेन से रोमानिया के रास्ते एयर इंडिया का स्पेशल प्लेन आज मुंबई एयरपोर्ट पहुंचा। भारत एकमात्र देश है जो यूक्रेन से अपने लोगों को निकालने में सफल रहा। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी एयरपोर्ट पर खुद मौजूद रहे और रोमानिया से वापस आए भारतीय छात्रों का प्लेन लैंड होते ही स्वागत किया और कहा, यही हिंदुस्तान की ताकत है, हिंदुस्तानी कहीं भी फंसेगा हम वापस लेकर आएंगे। आप सुरक्षित हैं, घर आ गए, लेकिन आपके जितने साथी हैं हम उन सबको भी घर लाएंगे। ये पक्का मैसेज आपको उनको देना है। आपके पास उनके नंबर्स होंगे, आप संपर्क में, उनका हौसला बढ़ाने, प्लीज कन्वे टू देम नॉट टू वरी एट ऑल। वी आर कमिटेड टू गेट एवरी ब्रदर एंड सिस्टर फ्रॉम इंडिया बैक होम सेफ एंड साउंड। तो आप लोग एकदम बेफिक्र, आप सबका अपने मातृभूमि में बहुत 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 स्वागत। थ्री चीयर्स फॉर इंडिया। बता दें, यूक्रेन में फंसे लोगों को वापस लाने के इस मिशन को मोदी सरकार ने ऑपरेशन गंगा नाम दिया है। यूक्रेन से रोमानिया के रास्ते अभी 219 भारतीयों को लेकर पहला विमान पहुंचा है।